नमस्कार, वीकली हॉरोस्कोप वीक कमेंसिंग 12th ऑफ अक्टूबर टिल 18th अक्टूबर, 12 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक ये वीकली हॉरोस्कोप आप सबके लिए, बेस है आपकी चंद्र राशि, बेस है आपकी लग्न राशि। इस वीकली हॉरोस्कोप को आप ले सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक, इस वीकली हॉरोस्कोप को आप ले सकते हैं अपनी लग्न राशि के मुताबिक, आप सबके लिए। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। चंद्रमा गोचर 9वें भाव में, 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर चंद्रमा गोचर 9वें भाव में, 9th हाउस में। चंद्रमा का गोचर जब 9वें भाव में होगा, 9th हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड बहुत सारी थ्रेट्स लेके आएगा। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ कई बार साथ नहीं होगा, पेट की वजह से, छाती की वजह से हेल्थ का साथ नहीं होगा, रातों की नींद नहीं होगी, मेंटली तौर पे बहुत थके हुए होंगे, बहुत ज़्यादा लथार्जिक होंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, अगर आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में काम करते हैं या स्पिरिचुअल एक्टिवेशन करते हैं या चैरिटी में काम करते हैं, फिर तो आपका नाम होगा, तरक्की होगी। लेकिन अगर आप पैसा मूव करना चाहते हैं, कोई बिजनेस प्रोफेशन में कुछ नया करके जाना चाहते हैं, पैसे को मूव करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, बिजनेस प्रोफेशन में कुछ जगह बदलना चाहती है, या इनहेरिटेंस को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी मैटर्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, इस समय कोई काम बनेगा नहीं। इस समय आप किसी पर यकीन नहीं करेंगे और लोग भी आप पे यकीन नहीं करेंगे। इस समय लोगों के साथ कुछ करना चाहेंगे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों के साथ बहस बहुत होगी, फिजूल की बातों पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, हर बात पर आप डिसएग्रीमेंट हो जाएंगे, हर बात पर आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, दिमागी तौर पर परेशानी बहुत होगी, हर बात को दिल पर ना लें, परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है, सोच समझ के चलें, तैयारी से आएँ, विचार कर लें। चंद्रमा गोचर दशम भाव में, 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चंद्रमा गोचर दशम भाव में, ट्रांजिट मून का 10th हाउस में। तो चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, लक्ष्य प्राप्त करेंगे आप, अपना गोल अचीव करेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, प्रोफेशनल गेन, फाइनेंशियल गेन, मटेरियल गेन आपको मिलेगा। तो चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, कोई भी प्लान बना रहे हैं वो प्लान मटेरियलाइज हो जाएगा, वो प्लान आपको सक्सेस देगा, तरक्की देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। चंद्रमा को जब दशम भाव में होगा, हालात आपकी फेवर में होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, मेंटली फिजिकली बड़े कंटेंट होंगे। ये टाइम पीरियड कामकाज के अंदर तरक्की होगी, नाम होगा। चंद्रमा को जब दशम भाव में होगा, आपके ऑनर में राइज होगी, आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। चंद्रमा को जब दशम भाव में होगा, अथॉरिटी मिलेगी, अकम्प्लिशमेंट मिलेगी, आप अपना गोल साध सकते हैं, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, तरक्की आपकी होगी। लेकिन हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, विचार करके चलें, मेल और फीमेल दोनों हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, और दिमागी तौर पे परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन सोच समझ के चलना होगा, डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। चंद्रमा गोचर 11वें भाव में, 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चंद्रमा गोचर 11th हाउस में, ट्रांजिट मून का 11th हाउस में। चंद्रमा गोचर 11th हाउस में, मून का ट्रांजिट 11वें घर में। चंद्रमा का गोचर जब 11वें भाव में होगा, फाइनेंशियल गेन देगा। 11th हाउस के अंदर जब ट्रांजिट का चंद्रमा का ट्रांजिट होगा, आपकी धन संपदा में राइज होगी, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा, अगर आपकी जॉब होगी तो आपकी प्रमोशन मिल सकती है। चंद्रमा गोचर जब 11वें भाव में होगा, पैसे की आमद में राइज होगी, घर में खुशियाँ होंगी, तरक्कियाँ होंगी, लोगों के साथ मेलजोल होगा, अपने प्यारों से मुलाकातें होंगी, फैमिली में के पुराने मेंबर से मुलाकातें होंगी, दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी, जो लोग मैरिड हैं खुशियाँ मिलेंगी। अगर आप बैचलर हैं, कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप इन्जॉय करेंगे, तरक्की होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमागी तौर पर बड़े खुशहाल होंगे, बड़े रिलैक्स्ड होंगे। इस आने वाले वीक के लिए आपको बुध मंगल राहु पे काम करना होगा। मंगल बुध राहु पे काम करेंगे तो प्रोफेशनल लॉसेस नहीं होंगे, फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे, लैक ऑफ फ्लो ऑफ इनकम नहीं होगा, प्रोफेशनल बैकिंग आपकी बनी रहेगी, रिलेशनशिप हैप्पीनेस आपकी बरकरार रहेगी, पीस ऑफ माइंड, करियर हेल्थ हैप्पीनेस बनी रहेगी। टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद के साथ आप अपने प्लैनेट्स को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगर आप चाहें वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इम्प्लीमेंट करें, और वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आपको मिलेगी प्रकाश astrologer.com में, और उस पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट।
आपका इस वीकली हॉरोस्कोप को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक में हालात कैसे होंगे, सिचुएशंस कैसी होंगी? अगर आप किसी खास मीटिंग पे जाना चाहते हैं, मूड कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा, लोगों के एटीट्यूड आपके प्रति कैसे होंगे, आपकी सोच कैसी होगी, एनवायरनमेंट कैसा होगा, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक के अंदर क्या मेजर इवेंट्स हो सकते हैं आपके साथ? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आप लेके अपने डिसीजन, जो चॉइसेस आप बनाना चाहते हैं इस हफ्ते, वो अच्छे बना पाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक के अंदर क्या आपको ज्योतिष के मुताबिक क्या आपको कोई उपाय करना चाहिए जो एक ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने के लिए, जो मुश्किलें आपके सामने खड़ी हैं उनसे उभरने के लिए, चाहे वो आपका टाइम वेस्ट कर रही हो? अगर आपका इन सवालों का जवाब आपका हाँ के अंदर है, तो आप किस इंतज़ार में कर? इस तुरंत आप अपना वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लीजिए, वीडियो में भी है, रिटर्न में भी है, जिसमें पूरी गाइडेंस आपके लिए दी गई है। हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com को विजिट करें और वीडियो और रिटर्न रिपोर्ट हासिल करें। मैं चाहता हूं कि आप सर्व संपन्न हो, खुशहाल हो, तंदुरुस्त हो और हारमोनियस जिंदगी में जी रहे हों।